गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शेयर एकेडमी। डेट है आज 31 मई और शाम के बज रहे हैं 7:30। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को नाम है शेयर एकेडमी और वीडियोस को लाइक कीजिए अगर ये वीडियोस आपके लिए किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल हों या फिर आपको इन वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में अब नए मेंबर्स नहीं ऐड हो पाएंगे क्योंकि हमारे दोनों व्हाट्सएप ग्रुप फिल हो चुके हैं, इसलिए अब हम सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर मेंबर्स को ऐड करेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि हमारा व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। हम शेयर्स को थॉरली एनालाइज करते हैं फंडामेंटल बेसिस पर और टेक्निकल बेसिस पर, और उसके बाद शेयर्स में खरीदारी की सलाह देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी होते हैं। फ्रेंड्स हम 1 या 2% के लिए किसी भी शेयर को एनालाइज नहीं करते। अच्छी तरह से एनालाइज किए हुए शेयर्स में हमारी मिनिमम एक्सपेक्टेशन 10% रिटर्न की होती है। सो अगर आप अपना पोर्टफोलियो फॉर्म करना चाहते हैं और लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं शेयर्स को, तो स्वागत है आपका। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए, हमारे वो सब्सक्राइबर्स जो लर्न टू अर्न सीरीज का पार्ट हैं और जो धीरे धीरे सीख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, जिनके कहने पर हमने ये सीरीज शुरू की थी। इसी सीरीज का आज ये 6th वीडियो है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अब तक के जो 5 वीडियोस थे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था ट्रेंड एनालिसिस का, और ट्रेंड एनालिसिस के बाद अब हम धीरे धीरे जो नॉलेज का स्तर है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। सो हो सकता है कि आपको इसे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। इन वीडियोस को 1 या 2 बार या कई बार, जितनी बार भी आपकी समझ में आए उतनी बार देखिए, और धीरे धीरे ये वीडियोस आपकी समझ में आने लगेंगे। आज जो सीरीज़ हम लेकर आए हैं फ्रेंड, जो वीडियो, इसका टॉपिक है वॉल्यूम एनालिसिस एंड वॉल्यूम एनालिसिस का यूज़, मीन्स कि वॉल्यूम एनालिसिस क्या है और वॉल्यूम एनालिसिस का यूज़ कैसे किया जाए ताकि मार्केट से प्रॉफिट मैक्सिमम तरीके से निकाला जा सके। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंड एनालिसिस सबसे पहला, और सेकेंड है वॉल्यूम। अगर कोई टेक्निकल एनालिस्ट वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसकी कॉल्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इस वजह से आप देखेंगे कि जब भी हम कोई शेयर एनालाइज करते हैं सो शेयर एनालिसिस की जो फर्स्ट इंडिकेटर जो हम इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का, उसमें हम वॉल्यूम का ध्यान देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन कि आखिर वॉल्यूम एनालिसिस क्या है और वॉल्यूम एनालिसिस का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। जो सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में वो है ट्रेड टाइगर वर्जन है 2.5। बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, खास करके उनके लिए जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं या फिर एडवांस लेवल की टेक्निकल एनालिसिस सीखकर अपनी कॉल्स जनरेट करना चाहते हैं। जिस टाइप के चार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, ये है कैंडलस्टिक। इंट्राडे हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने इससे पहले के सारे वीडियोस हमारे जो कि जुड़े हुए हैं लर्न टू अर्न सीरीज से, वो आपने देख रखे हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और इससे पहले के वीडियो सीरीज को सीरियल से देखते रहिए, तब आपकी ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, और अब देखते हैं वॉल्यूम। एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि वॉल्यूम बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि एक दिन में जितने शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं उनका नंबर है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे पार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आने वाला ये नंबर बेसिकली एक दिन में जितने शेयर्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं उनका नंबर है। अब वॉल्यूम की इम्पॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले वॉल्यूम की इम्पॉर्टेंस है, वॉल्यूम आपकी मदद करता है कि आप ट्रेडर हैं या फिर आप एक निवेशक हैं, दोनों के लिए ही वॉल्यूम की इम्पॉर्टेंस अलग अलग है। क्यों? ट्रेडर को बहुत शॉर्ट टर्म में पोजीशन बनानी है और तुरंत काट लेनी है, इसलिए उसे ऐसे शेयर्स चाहिए होंगे जिनके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो। क्यों? ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब है एक पर्टिकुलर शेयर में बहुत सारे लोग एक दिन के अंदर खरीदारी या बिकवाली कर रहे हैं। मिसाल के लिए इंडिया सीमेंट का शेयर, ज़रा इन नंबर्स को ध्यान से देखिएगा। इंडिया सीमेंट के एक शेयर में 21 जनवरी, यहाँ डेट देखिएगा, 21 जनवरी 2019 को 26,36,000 शेयर ट्रेड होते हैं। अगले दिन तकरीबन 36 लाख, 24 लाख, 18 लाख, 36 लाख। ठीक, सो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं, कम समय में ही शेयर तुरंत खरीदना है और तुरंत बेचना है, तो आपको ऐसे शेयर्स ढूंढने चाहिए जिनके अंदर वॉल्यूम अच्छा खासा हो। क्यों? मान लीजिए कि आपको एक शेयर खरीदना है इंडिया सीमेंट का, और अगर इंडिया सीमेंट में वॉल्यूम नहीं है तो आप मार्केट में गए और इंडिया सीमेंट का शेयर खरीदना चाह रहे हैं, पर चूंकि वॉल्यूम नहीं है इसका मतलब है कि मार्केट में कोई बिकवाली करने वाला खड़ा ही नहीं है, तो आप खरीदेंगे किससे?
खरीदने के लिए आपको जरूरी है कि सामने कोई बेचने वाला खड़ा हो, उसी से खरीदेंगे। बट अगर वॉल्यूम ही नहीं है शेयर के अंदर, तो फिर आप खरीदेंगे किससे? अब इसका उल्टा, अगर आपने शेयर खरीद लिया और उसके बाद शेयर अच्छा खासा बढ़ गया और आप चाहते हैं शेयर को बेचना, आप मार्केट में गए और अपने शेयर्स की बिकवाली के लिए आप ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे हैं, बट खरीदने वाला ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर के अंदर वॉल्यूम नहीं है। तो अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो आप बेच नहीं पाएंगे और तब आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा। सो ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़रूरी है ऐसे शेयर्स चुनना जिनके अंदर वॉल्यूम हो, क्योंकि उन्हें बहुत कम समय में खरीदारी और बिकवाली करनी है। बट हम यहाँ ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं निवेशकों की, लंबे समय के निवेशक, क्योंकि शेयर एकेडमी का मकसद भी यही है। सो निवेशकों के लिए वॉल्यूम ज़्यादा हो या कम, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, सिवाय कुछ खास परिस्थितियों की। और वो परिस्थितियाँ क्या हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो वो शेयर जिनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है उन्हें हम लिक्विड शेयर कहते हैं, उनकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। और वो शेयर जिनके अंदर वॉल्यूम बहुत कम है उन्हें हम इलिक्विड शेयर कहते हैं। जैसे इंडिया सीमेंट के इसी चार्ट को ध्यान से देखिए, ये जो टाइम पीरियड था इस समय शेयर के अंदर वॉल्यूम बहुत ही कम था, ये दिख रहा है आपको। और जैसे जैसे शेयर बढ़ना शुरू करता है शेयर के अंदर वॉल्यूम भी आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शेयर का मूवमेंट वॉल्यूम से कॉरोबोरेट होता है। इस नियम को अपने कॉपी या पेन कॉपी पर ध्यान से लिख लीजिए कि शेयर का मूवमेंट वॉल्यूम से कन्फर्म होना ही चाहिए। अगर शेयर किसी एक तरफ मूवमेंट कर रहा है, अपसाइड या डाउनसाइड, और शेयर के अंदर अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि शेयर का मूवमेंट कन्फर्म नहीं है। ये हो सकता है कि एक फॉल्स ट्रेंड हो या फॉल्स मूवमेंट हो, जिसके अंदर कई बार रिटेल निवेशक फंस जाते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो हम कहने जा रहे हैं। ट्रेंड एनालिसिस के दौरान हमने आपको बताया था कि शेयर में खरीदारी करने का सबसे सही तरीका है गिरते हुए शेयर को कंसोलिडेशन जोन के बाद जब ब्रेकआउट दे रहा हो तब खरीदना, याद है आपको? और उसका एग्जाम्पल था मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक, इसे ध्यान से देखिए, गिरता हुआ शेयर कंसोलिडेट होता है और कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देता है। बट अभी अभी हमने बताया कि यहां पर वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस है कि ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, जब शेयर नीचे की तरफ जा रहा है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के समय अगर शेयर के अंदर वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम अगर नीचे बढ़ जाता है, तो ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्म माने जाते हैं। हमेशा शेयर का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वॉल्यूम से कॉरोबरेट होना ही चाहिए, वरना वो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तब अगर आपने खरीदारी की तो फिर शेयर क्या करेगा कि उन लेवल्स से थोड़ा ऊपर जाएगा, आपको लगेगा कि शेयर में ब्रेकआउट आ गया, आप खरीदारी कर लेंगे और शेयर वापस नीचे आएगा और फिर अपना जो नीचे का ट्रेंड है वो रिज्यूम कर देगा। ऐसा कई बार हुआ है, जैसा कि आज के दिन हुआ। बहुत ही शानदार एक शेयर था, वाइट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, जरा इसे ध्यान से देखिए, डाउन ट्रेंड में आता हुआ एक शेयर अप ट्रेंड लेता है थोड़े समय के लिए और सबको लगता है कि शेयर के अंदर जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है इससे पिछले वॉल्यूम के कंपैरिजन में। सो वॉल्यूम के अंदर कोई बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ। सो जिस किसी को भी लगा कि शेयर ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है या ब्रेकआउट दे दिया है और अचानक शेयर फॉल्स ब्रेकआउट देकर दोबारा से नीचे का ट्रेंड रिज्यूम कर देता है, इसलिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वॉल्यूम के साथ कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पर कि शेयर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वॉल्यूम के साथ दे रहा है। ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे पहले यैश पेपर, ऊपर से गिरता हुआ शेयर कंसोलिडेट होता है किन लेवल्स के बीच में? 55 से लेकर 43 लेवल्स के बीच में। और याद है आपको, ट्रेंड एनालिसिस के दौरान हमने कहा कि शेयर डाउन ट्रेंड में होने के बाद कंसोलिडेट हो और फिर ब्रेकआउट दिखाए। अब इसमें एक इंफॉर्मेशन और जोड़ दीजिए कि वो ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ कोरेबोरेट होना चाहिए। जरा इस वॉल्यूम को ध्यान से देखिए, इतना वॉल्यूम एक साथ पिछले कब आया था, कब मतलब पिछले टाइम में कब आपको दिखा था? इतना वॉल्यूम तो पिछले एक साल तक भी आपको कभी भी नहीं दिखा एक साथ इतना बड़ा क्लस्टर।
ये इन्फॉर्मेशन है कि निचले स्तरों पर शेयर में खरीदारी हो रही है, धीरे 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 करके कोई खरीदारी कर रहा है, और ये खरीदारी इतने बड़े पैमाने पर हो रही है कि ये इतना सारा वॉल्यूम यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस से एक मामले में अपर हैंड रखती है, और वो मामला है कि कोई भी मूवमेंट शेयर के अंदर जो भी हो रहा है, खरीदारी या बिकवाली, वो चाहे किसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे हो, किसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की बेस पे हो, या किसी आदमी को नतीजे पहले से पता चल गए हैं, तो भी खरीदारी या बिकवाली जो भी हो रही है वो आपको चार्ट पर सबसे पहले ही पता चल जाएगी। अब देखिए, इस शेयर ने अभी अपना मूवमेंट शुरू नहीं किया है, लेकिन ब्रेकआउट वॉल्यूम से कन्फर्म हो जाता है। आपने देखा, क्यों? ये चीज़ कोई छुपा नहीं सकता। शेयर के अंदर जितने भी शेयर्स खरीदे जाएंगे किसी कंपनी के या बेचे जाएंगे एक दिन में, वो आपको चार्ट पर अपडेट होंगे ही होंगे, ये नियम है सेबी का। और जैसे ही चार्ट पर ये चीज़ अपडेट होगी, आपके पास इन्फॉर्मेशन क्लियरली आ जाएगी। तो अगर आपको वॉल्यूम एनालिसिस पता है तो आप जान जाएंगे कि इस शेयर के अंदर ब्रेकआउट होने वाला है, फर्स्ट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, मेघमणि, ध्यान से देखिए, ऊपर से नीचे गिरता हुआ शेयर कंसोलिडेट होता है और धीरे धीरे ट्रेंड रिवर्सल दिखाना शुरू करता है। अचानक से आए हुए, ज़रा इस वॉल्यूम को ध्यान से देखिए, जब इसमें लंबी लंबी ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, ये वॉल्यूम पिछले करीब 3 महीने के वॉल्यूम से 5 से 6 गुना ज़्यादा है। अचानक रेगुलर वॉल्यूम्स आ रहा है, ठीक। सो ये दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम ये ज़्यादा है पिछले करीब 6 महीने के वॉल्यूम से। तो हम ये कहते हैं कि नीचे गिरता हुआ शेयर कंसोलिडेट होने के बाद जब ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये प्राइस प्लस वॉल्यूम ब्रेकआउट है। इसलिए इसके लिए एक टर्म आप सुनते हैं बिजनेस चैनल्स पर, जहां पर टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं कि प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है शेयर ने और शेयर को इन्हीं लेवल्स पर खरीदना चाहिए। सो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट क्या है कि शेयर का ब्रेकआउट प्राइस पर भी है, साथ ही वॉल्यूम पर भी है। अब देखिए कि क्यों हम बार बार कहते हैं कि मेघमणि ऑर्गेनिक्स को आपको खरीदना चाहिए, क्यों? शेयर ने ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। नेक्स्ट, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ध्यान से देखिए, ऊपर से नीचे गिरता हुआ शेयर जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। एक चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हम जब भी किसी शेयर को डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर, हम कचरा शेयर्स की बात नहीं कर रहे। सो ऊपर से नीचे गिरता हुआ शेयर कंसोलिडेट होता है और ब्रेकआउट के समय अचानक से ये इतना वॉल्यूम कहां से आ गया शेयर के पास? ये वॉल्यूम दिखा आपको, ये इतना वॉल्यूम कहां से आ गया? ये वॉल्यूम पिछले इस लेवल पर नहीं है, इन लेवल्स पर भी नहीं है, और ये वो लेवल है जहां पर कुछ अर्ली बर्ड्स खरीद कर बैठे हैं शेयर को, ठीक। बट इन वॉल्यूम के कंपैरिजन में और इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में अचानक यहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है, क्यों? जो निचला सपोर्ट लेवल है इसी लेवल के पास में शेयर में खरीदारी हो रही है। यानी ये इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर छुपा नहीं सकते हैं आपसे, अगर आप चार्ट को पढ़ना जानते हैं। देन एडवांस एंजाइम, ये देखिए, ऊपर से गिरता हुआ शेयर कंसोलिडेट होता है और गलती से अचानक किसी एक दिन कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है और शेयर में खरीदारी कर लेता है। निचले स्तरों पर आपको शेयर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स मिल जाती हैं, इतना वॉल्यूम मिल जाता है अचानक, सो समझ जाइए आप, और इन्हीं की बेसिस पर, साथ ही साथ फंडामेंटल्स की बेसिस पर भी एडवांस एंजाइम को हमने खरीद की सलाह दी थी। और एडवांस एंजाइम था हमारा बहुत पुराना शेयर वाइनल, ये रहा एडवांस एंजाइम जिसे हमने 1 महीने पहले बताया था खरीदने के लिए, उसकी एनालिसिस यही है शेयर की, ओके। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो सेकेंड लेवल की है, क्या? कि अगर वॉल्यूम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब कि जिन शेयरों में वॉल्यूम नहीं होना चाहिए हमें वो शेयर नहीं खरीदने चाहिए। सबसे पहला, जी हाँ, जिन शेयरों के अंदर वॉल्यूम नहीं है वो शेयर्स आपको नहीं खरीदने चाहिए। बट ये इंफॉर्मेशन सारे शेयर्स पर लागू नहीं होती, क्यों? अब जरा जो शेयर्स हम आपके सामने रख रहे हैं इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। ब्रिगेड, वॉल्यूम देखिए कितना है, एक दिन में 1000 शेयर, 2400 शेयर, 2425, 3900 शेयर, 2400 शेयर, 1800 शेयर, कितने कम शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया सीमेंट। तो इसका मतलब हमें शेयर नहीं खरीदना चाहिए? जी नहीं, शेयर्स को खरीदने का सबसे पहला नियम है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटली शेयर अगर स्ट्रांग है तो कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट में वो शेयर्स आपको मिलते हैं जो हाईली इलिक्विड होते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप के वो शेयर जो हाईली इलिक्विड होते हैं वो मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो अगर शेयर इलिक्विड है, यानी शेयर्स के अंदर अगर
वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको उसे अवॉइड कर देना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि प्राइस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उस समय शेयर का वॉल्यूम ज़रूरी है। सेकंड, अगर आप ट्रेडर हैं तो हमेशा आपको लिक्विड शेयर के अंदर ही बने रहना चाहिए, इलिक्विड शेयर आप मत खरीदिए। लेकिन अगर आप एक लंबे समय के निवेशक हैं तो आप लिक्विड शेयर और इलिक्विड शेयर दोनों ही खरीद सकते हैं। अब ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि कहाँ कहाँ शेयर ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाया है जब वो वॉल्यूम से कॉरोबरेट हुआ है, और क्या ये वॉल्यूम एनालिसिस थ्योरी काम करती भी है या केवल हम आपको हवा में ही बता रहे हैं। ओके, एसीसी लेते हैं और ध्यान से देखिएगा, ऊपरी स्तरों पर जिन जगह पर शेयर ने रेसिस्टेंस लिया है उसके बाद शेयर के अंदर एक गिरावट हुई है। ये गिरावट दिख रही है आपको, ये गिरावट जब गहराती है कहां पर, जरा ये लेवल्स देखिए और इन लेवल्स के पास में आने वाले इस वॉल्यूम को ध्यान से देखिए, ठीक, साथ ही यहां का ये वॉल्यूम, ठीक, ये निचले स्तरों पर आने वाली खरीदारी ध्यान से देखिए। अब ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स कि वॉल्यूम एनालिसिस एक ऐसी चीज है जिसे सीखने में आपको बहुत समय लगेगा, ठीक। सो घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिए और धीरे 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 शेयर एकेडमी के साथ में सीखते रहिए। वन स्टेप एट अ टाइम लीजिए, एक बार में एक पायदान चढ़िए, आप 5वीं मंजिल की छत पर चढ़ जाएंगे, समय लगेगा, ठीक। ध्यान से देखिए, ऊपरी स्तरों से शेयर जब गिरना शुरू होता है और वो ही लास्ट टाइम है जब खरीदार जो हैं जिन्होंने निचले स्तरों पर खरीदारी की थी वो अब पूरी तरह से शेयर से निकलने को तैयार हैं, तब अचानक से आपको इतना वॉल्यूम दिखाई देता है। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देखिए, इन स्तरों पर भी शेयर के अंदर गिरावट हुई लेकिन वो गिरावट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं हुई, तो गिरावट के बाद शेयर रिकवर कर गया। अगेन इन स्तरों पर शेयर में गिरावट हुई बट इस गिरावट में यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं आया बहुत ज़्यादा कि पिछले 3-4 महीनों की तुलना में अचानक से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया हो। सो गिरावट सस्टेनेबल नहीं हुई और शेयर दोबारा से रिकवरी कर गया। बट इस बार गिरावट के समय जो कि शेयर ने अपने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल के पास मिली थी, इसलिए हम कहते हैं कि 52 वीक्स हाई के पास में आने के बाद शेयर के थोड़ा सा कॉशस होना ज़रूरी है। जो ये गिरावट हुई, इस गिरावट में शेयर के पास वॉल्यूम भी था और जब इतना वॉल्यूम लेकर शेयर गिरा तो देखिए कि ज़रा पिछले 3-4 महीनों में जितना वॉल्यूम था उस सब की भरपाई शेयर ने एक दिन के अंदर कर दी, गिरावट वो भी वॉल्यूम के साथ, और देखिए क्या शानदार तरीके से शेयर गिर रहा है। अब देखिए शेयर में जब खरीदारी शुरू हुई, जरा इन लेवल्स को ध्यान से देखिए, निचले स्तरों पर आकर शेयर सपोर्ट लेता है एसीसी का, ये वही स्तर है जहां पर शेयर ने इससे पहले भी सपोर्ट लिया था, तो ये क्लियर पता चल गया आपको कि ये सपोर्ट लेवल है। नाउ सपोर्ट लेवल के पास में आते आते अचानक से आपको वॉल्यूम दिखना शुरू हो जाता है, ये वॉल्यूम दिख रहा है ना, यहाँ पे वॉल्यूम जितना है उसके कंपैरिजन में अचानक से ये वॉल्यूम 5 से 6 गुना बढ़ा है, आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। और फिर अचानक से आप एक दिन देखते हैं इतना वॉल्यूम और शेयर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं, एक डोजी बना हुआ है, मतलब समझ जाइए कि शेयर में कुछ ना कुछ होने वाला है पॉजिटिव साइड में। और अगले दिन इतने वॉल्यूम के साथ 64,43,000 शेयर्स के साथ में एक गैप अप ओपनिंग देता है। इतने वॉल्यूम के साथ जब भी कभी आपको गैप अप ओपनिंग मिलेगी शेयर के अंदर एक फॉलोइंग मूव ज़रूर आएगा, और यही फॉलोइंग मूव शेयर को एसीसी को 1474 के लेवल से लेकर जाता है कहाँ, 1655 के लेवल तक। और बाद में देखिए फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमने आपको बताया है कि गैप फिल ज़रूर होते हैं, ये देखिए ये गैप फिल करने के लिए ये शेयर नीचे आया है और ये जो ओपन गैप बन रखा था इसे फिल किया और फिर शेयर भागना शुरू हुआ। दोबारा देखिए, दोबारा से आया हुआ जो अप ट्रेंड था अचानक यहाँ पर आपको फिर वॉल्यूम मिल रहा है, इस वॉल्यूम की वजह से शेयर कॉरोबरेट हो रहा है और मूवमेंट शेयर का, और शेयर एक तरफा चढ़ाई दिखा रहा है और क्या शानदार मूवमेंट दिखाया। अब देखिए एनसीसी, ये आज के दिन का शेयर है 31 तारीख को, और मॉर्निंग में शेयर टूटा, आंध्र प्रदेश से इन्फॉर्मेशन आई और शेयर टूटा। फिर लोगों ने पूछा कि सर फ्रेश खरीदारी करनी है या नहीं, और हमने कहा कि फ्रेश खरीदारी अभी मत कीजिएगा। और क्या हुआ, इतने वॉल्यूम के साथ जो कि पिछले करीब करीब 3 महीने के वॉल्यूम का 4 से 5 गुना है वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम के साथ एसीसी टूटा। सो फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए आपको, क्यों, इस बात की पूरी संभावना है कि एक फॉलो अप मूव आए जो शेयर को और नीचे ले जाए जो कि वॉल्यूम के साथ में टूट रहा है। ओके, अब देखिए, और अब देखते हैं फ्रेंड्स एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल जो कि है मैस्फिन का,
ज़रा ध्यान से इस चार्ट को देखिए और साथ ही साथ वॉल्यूम एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। शेयर के चार्ट को देखकर ट्रेंड एनालिसिस के तौर पर आप कह सकते हैं कि शेयर के अंदर एक कंसोलिडेशन जोन या एक शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है। क्यों? लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यानी शेयर के अंदर एक बहुत ही हल्का सा नीचे की तरफ जाता हुआ स्लोप है जो कि शेयर को एक डाउन ट्रेंड के अंदर ले जा रहा है। फिर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है जब आप शेयर को ध्यान से देखना शुरू करते हैं इसके वॉल्यूम के साथ। कैसे? ये पर्टिकुलर जो पार्ट है यहाँ पर अचानक से आपको इतना सारा वॉल्यूम दिखाई देता है जो पिछले कई दिनों के कंपैरिजन में शेयर में कभी भी नहीं आया। और आप सोचते हैं कि आखिर ये इतना वॉल्यूम, वो भी लोअर लो लोअर हाई की तरफ जाते हुए एक शेयर के अंदर आ रहा है, बट शेयर में कोई फ्रेश गिरावट नहीं आ रही, ऐसा क्यों? सो ये तरीका है कि जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिकवाली या फिर खरीदारी करते हैं, वो कभी भी एक साथ एक दिन के अंदर पूरी खरीदारी या पूरी बिकवाली नहीं करते, वो हमेशा थोड़े थोड़े चंक्स के अंदर करते हैं। और इस वॉल्यूम का असर आपको इमिडिएटली दिखाई नहीं देता, इस वॉल्यूम का असर आपको दिखाई देता है करीब 2 महीनों के बाद, जब मार्केट के अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ चुकता है और तब रिटेल निवेशकों को पता चलता है कि अरे इस शेयर के अंदर तो बिकवाली 2 महीनों से चल रही थी और शेयर अचानक उन्हीं रेसिस्टेंस लेवल के पास में जाता है जहां इससे पहले एक बार रेसिस्टेंस ले चुका था। और फिर देखिए जब शेयर गिरना शुरू होता है, बेसिकली ये जो गिरावट है, इस गिरावट की शुरुआत इस वॉल्यूम के पास में हो चुकी थी। बट मज़ेदार चीज़ क्या है देखिए, मतलब रिटेल निवेशक कैसे फंसते हैं, ये इस जगह पर आइडल एग्जाम्पल है। ऊपर से गिरता हुआ शेयर वॉल्यूम के साथ में गिर रहा था जबकि इंस्टीट्यूशनल निवेशक शेयर से दूर जा रहे थे, फिर अचानक से शेयर ऊपर बढ़ना शुरू करता है और पब्लिक को लगता है अरे अरे ये तो शेयर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, चलो इसमें खरीदारी कर लेते हैं। बट जो समझदार लोग हैं उन्हें पता है कि शेयर एक डाउन ट्रेंड में है और साथ ही साथ एक कंसोलिडेशन जोन में। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कभी शेयर कंसोलिडेशन जोन में होता है तो हम कहते हैं कि जब तक वो जोन के ऊपरी लेवल्स ब्रेक नहीं करता तब तक फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। फ्रेंड्स उसकी वजह यही है। और देखिए क्या हुआ, शेयर ऊपरी लेवल्स के पास में आया और उसके बाद एक तरफा जो शानदार गिरावट दिखाई शेयर ने, वॉल्यूम के साथ में ही कॉरोबरेट हुआ। बट ये चीज़ समझ जाइए आप कि जो ये गिरावट थी, ये गिरावट शुरू हो चुकी थी तकरीबन 2 महीनों पहले जब आपको इतना वॉल्यूम मिला था। ओके, और अब देखते हैं OCCL। ज़रा ध्यान से इस शेयर को देखिए, निचले स्तरों पर जब शेयर में अचानक से सारा वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है, ठीक, और शेयर एक नो मूवमेंट जोन के बीच में करीब फंसता है, फिर ऊपरी स्तरों पर जो शेयर का रेसिस्टेंस लेवल था उसको जब शेयर ब्रेक करता है, साथ ही वॉल्यूम के साथ में ब्रेक करता है, तो उसके बाद देखिए शेयर क्या शानदार मूवमेंट दिखाता है। और बीच बीच में इसी मूवमेंट के दौरान शेयर अच्छे खासे वॉल्यूम का कन्फर्मेशन भी देता रहता है। ये वजह है और ये इम्पोर्टेंस है शेयर में वॉल्यूम ब्रेकआउट की। ठीक, अब ज़रा एक मज़ेदार चीज़ देखिए, बहुत ही शानदार, ये इतनी गिरावट शेयर के अंदर आपको दिख रही है, लेवल्स क्या हैं गिरावट के, 600 रुपये से गिरता हुआ शेयर 400 रुपये तक आ जा रहा है, बट शेयर के अंदर कोई मेजर वॉल्यूम नहीं आया। ये देखिए ये वॉल्यूम पिछले जो वॉल्यूम है इसके कंपैरिजन में आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई मेजर वॉल्यूम नहीं है कि ऐसा हो कि अचानक से 7-8 गुने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में शेयर गिर रहा है। और यही वजह है कि शेयर अगेन इन स्तरों से रिकवर होता है और न केवल रिकवर होता है बल्कि प्रीवियस लेवल भी तोड़कर और ऊपर जाता है। ये मज़ेदार चीज़ है वॉल्यूम एनालिसिस की। अगर ये इतना मोमेंटम शेयर के साथ यहाँ नीचे वॉल्यूम के साथ में होता, जैसे कि ये इतना वॉल्यूम अगर यहाँ पर आ जाता और शेयर में ये गिरावट होती, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि शेयर निचले सपोर्ट लेवल्स को तोड़कर और नीचे चला जाता। बट ये एक फॉल्स ब्रेकआउट या एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप आप कह लीजिए था, जहाँ पर कि बिना वॉल्यूम के शेयर गिर रहा था, तो ये मोमेंटम सस्टेनेबल नहीं होना था। सो फ्रेंड्स यहाँ पर इस सेशन को वाइंड अप करना शुरू करेंगे हम, और एक बार दोबारा दोहरा देते हैं कि वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है। ऊपरी स्तरों से गिरता हुआ शेयर कंसोलिडेट होने के बाद जब अप ट्रेंड में आए और ब्रेकआउट दे, तब वहां पर वॉल्यूम का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल आपके सामने रखते हैं तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा ये, ठीक, मोतीलाल ओसवाल, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट, ये प्राइस दिख रहा है इतना, ये वॉल्यूम दिख रहा है और ये प्राइस है, ठीक। सो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट, ऊपरी स्तरों से गिरता हुआ शेयर जब ब्रेकआउट दे और साथ ही साथ वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हो तो वो सस्टेनेबल होगा। सेम यही कंडीशन है ऊपरी स्तरों से जब शेयर गिरना शुरू करे
और अगर फ्रेश गिरावट हो रही है और वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है तो इसका मतलब है कि जो ट्रेंड है वो सस्टेनेबल रहेगा। एक दूसरा, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको हमेशा लिक्विड शेयर पकड़ने चाहिए खरीदारी करने के लिए, और अगर आप निवेशक हैं तो आप लिक्विड और इलिक्विड दोनों ही तरह के शेयर्स में खरीदारी कर सकते हैं। तीसरी इन्फॉर्मेशन, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के समय शेयर का वॉल्यूम एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। चौथा, इलिक्विड शेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो ही खरीदारी कर सकते हैं। और पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जब भी कभी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी शेयर की, तो डिलीवरेबल वॉल्यूम कितना है ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ क्या है, ये हम जब वॉल्यूम का एडवांस एनालिसिस पढ़ाएंगे, जब सेशन लेकर आएंगे तब हम आपको बताएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स कि यहाँ तक का जो ये सेशन है इसमें वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में आपके पास में थोड़ी बहुत जानकारी आई होगी। कम से कम अभी तक जब तक आप वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं जानते थे और कोई एनालिसिस नहीं करते थे, उससे अब आपके पास में थोड़ा सा नॉलेज आ गया है, तो अब आप चार्ट के साथ साथ वॉल्यूम को देखना भी शुरू करेंगे। फ्रेंड्स मकसद यही है, बाइट एज मच एज यू कैन चू, मतलब उतना अगर आप काट लिए इतना बड़ा निवाला कि आप उसको चबा नहीं पा रहे हैं तो ये गलत बात है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं ये आप सीखते जाएं। एक एक चीज़ जो हम सिखा रहे हैं जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपके लिए आगे आने वाला जो समय है वो और आसान होता जाएगा और आप आसानी से इन चीज़ों को सीख सकेंगे। यही मकसद है फ्रेंड्स इस सेशन का। सेशन आज का थोड़ा सा लंबा हुआ है बट इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्यों? क्योंकि नॉलेजेबल सेशन है। अगर ये सेशन एक बार में आपकी समझ में नहीं आता है तो इसे दोबारा तिबारा देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने प्रैक्टिस आपको बताई है इससे पहले कि वो प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़रूरी है। वो प्रैक्टिस क्या है कि शेयर के चार्ट्स खोलिए, लगातार चार्ट्स देखते रहिए, वॉल्यूम के साथ चार्ट देखते रहिए और देखिए कि किस मोमेंटम के समय आपको वॉल्यूम अच्छा खासा मिला है, तो वॉल्यूम ने मोमेंटम पर क्या असर डाला है, किस जगह पर मोमेंटम में आपको वॉल्यूम मिला तो मोमेंटम सस्टेनेबल रहा, कहाँ पर मोमेंटम बिना वॉल्यूम के हुआ और मोमेंटम सस्टेनेबल नहीं हो पाया। ये प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा आप चार्ट देखेंगे उसको एनालाइज करेंगे, उतनी तेज़ी से आप सीखेंगे। सो फ्रेंड्स इसी मुकाम पर, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा, पसंद आने से भी ज़्यादा आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा, इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और उसके साथ ही साथ हमें एक आंसर ज़रूर दीजिए कि आज के इस सेशन से आपने क्या सीखा और अभी तक के 6 वीडियोस में लर्न टू अर्न सीरीज़ के कौन सा वीडियो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, नॉलेज की बेसिस पर कि किस वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें नॉलेज की बेसिस पर शेयर की गई हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, क्योंकि आपके आंसर की ही बेसिस पर हम आगे के वीडियोस को बनाना शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आएगा और पसंद आने से भी ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाला और साथ ही साथ प्रॉफिट वाला रहेगा। सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे फ्रेंड्स।